सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की। रिया ने पूछताछ में अपने और सुशांत के बारे में खुलकर बताया। रिया ने बताया कि उनकी और सुशांत की मुलाकात साल 2013 में हुई थी। उस वक्त वह फिल्म मेरे डैड की मारुति में काम कर रही थी और सुशांत फिल्म शुद्ध देसी रोमांस में काम कर रहे थे। उस दौरान दोनों की मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों कई पार्टीज और इवेंट्स में मिले और फिर दोनों की दोस्ती हो गई। रिया ने बताया कि उस वक्त सुशांत किसी के साथ रिलेशनशिप में थे। इसके बाद साल 2017 से 2018 के दौरान दोनों एक प्रोडक्शन हाउस से अलग होकर अलग अलग बैनर में काम करने लगे और फिर दोनों रिलेशनशिप में आ गए। रिया ने बताया कि सुशांत किसी न किसी वजह से परेशान थे, लेकिन वह इस बारे में कुछ बताते नहीं थे। वह ज्यादा परेशान होते थे तो कहीं अलग चले जाते थे या फिर अपने पुणे वाले फार्म हाउस में चले जाते थे। जब वह ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगे तो उन्होंने डॉक्टर की हेल्प लेना शुरू कर दी, लेकिन बीते कुछ दिनों से उन्होंने दवाई लेना छोड़ दिया था। रिया ने आगे बताया कि 6 जून को सुशांत ने उन्हें घर से जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वह अकेला रहना चाहते हैं। रिया ने कहा कि सुशांत की सिचुएशन को देखकर उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बोला। उन्होंने सोचा कि सुशांत कुछ टाइम अकेले रहेंगे तो शायद वह अच्छा फील करें। इसके बाद रिया वहां से चली गई और 14 जून को उन्हें सुशांत की आत्महत्या की खबर मिली। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी ऐसी ही और भी कई खबरें सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए।